सो दिस इज द सेकेंड क्लास ऑफ कम्युनिकेशन। आज हम बाकी के रिमेनिंग टॉपिक्स करने वाले हैं कम्युनिकेशन के। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है दैट इज फ्रॉम द बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। बैरियर्स टू कम्युनिकेशन मतलब जितने भी हर्डल्स आते हैं जब हम कम्युनिकेट करते हैं। इसमें कीवर्ड्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं। तो सबसे पहला बैरियर है सिमेंटिक बैरियर। सिमेंटिक का मतलब होता है साइंस ऑफ मीनिंग। तो सिमेंटिक्स का मतलब होता है साइंस ऑफ मीनिंग। तो फर्स्ट टाइप ऑफ बैरियर्स जो कम्युनिकेशन में आते हैं दैट इज सिमेंटिक बैरियर्स। सिमेंटिक बैरियर्स के जैसे 1 2 3 4 5 6 हम 6 पॉइंट्स करने वाले हैं। 6 तरह के बैरियर्स जिससे सबसे पहले हो गया सिंबल्स विद डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स। फॉर एग्जाम्पल जो टॉयलेट है उसको हम रेफर करते हैं रेस्ट रूम के साथ भी। तो कई बार कोई कंफ्यूज हो सकता है कि रेस्ट रूम मीन्स कि जहाँ पे हम रेस्ट करते हैं। तो सिंबल्स होते हैं जिनका डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग होता है। तो ये एक तरह से कम्युनिकेशन में बैरियर की तरह एक्ट करता है। नेक्स्ट है टेक्निकल जार्गन्स। मतलब कई बार बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट वर्ड्स यूज करते हो जो सामने वाले बंदे को समझ ही नहीं आते। जैसे मैं किसी को पता ही नहीं है कोई कॉमर्स की टर्मिनोलॉजी मैं बोलूँ स्वॉट एनालिसिस या कुछ डिफिकल्ट डिफिकल्ट वर्ड्स जो सामने वाला बंदा समझ ही ना पाए। नेक्स्ट है फॉल्टी ट्रांसलेशन। मतलब जब आप वन लैंग्वेज टू अनदर ट्रांसलेट कर रहे हो तो उसमें आप प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। नेक्स्ट है यूज ऑफ जेस्टर्स विद डिफरेंट मीनिंग। जैसे विक्ट्री है हम टू फिंगर्स के साथ बी बना के करते हैं तो कोई उसको टू भी समझ सकता है ना। तो ऐसे जेस्टर्स जिनका डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग हो। अनक्लैरिफाइड अजम्पशंस मतलब आपकी जो अजम्पशंस है वो ही क्लियर नहीं है, आपके वर्ड्स ही क्लियर नहीं है, या फिर एम्बिग्विटी ऑफ वर्ड्स या फ्रेजेस। जैसे हेयर और हियर एक तरह सेम से ही लगते हैं ना, कई बार अगर क्लियर नहीं हो एम्बिग्विटी इनकी वजह से अनक्लैरिटी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप के बैरियर्स होते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर्स। साइकोलॉजिकल बैरियर्स को इमोशनल बैरियर्स भी बोलते हैं। साइकोलॉजिकल बैरियर्स क्या आ गया, जैसे आपको इमोशनली पता है कि आपको उस बंदे पे ट्रस्ट ही नहीं है तो आप उसकी बात ही नहीं सुनोगे, या इनअटेंशन आप अटेंशन नहीं दे रहे वो क्या बोल रहा है, आपका ध्यान किसी और चीज में ही है, या अगर आप फोन पे बात कर रहे हो सिग्नल कट गया, लॉस ऑफ ट्रांसमिशन हो गया, या पुअर रिटेंशन आपको याद ही नहीं रहता जो सामने वाले ने आपको बोला है, या फिर हो गया प्री मेच्योर इवैल्यूएशन आप उसके बोलने से पहले ही खुद ही इवैल्यूएट कर रहे हो कि हाँ ये चीज तो ऐसे है। तो ये हो गए कुछ साइकोलॉजिकल बैरियर्स। उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स में क्या आएगा, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज या रूल्स कैसे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर्स कई बार बहुत रिजिड होते हैं जिसकी वजह से काफी ज्यादा इश्यूज आते हैं। ऑर्गेनाइजेशन की फैसिलिटीज की वजह से कम्युनिकेशन में काफी ज्यादा इश्यूज आते हैं या बैरियर्स की तरह एक्ट करती है, या फिर स्टेटस रिलेशनशिप ऑर्गेनाइजेशन का इस टाइप से कम्प्लेक्स है कि कम्युनिकेशन में हर्डल बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ बैरियर है पर्सनल बैरियर्स। पर्सनल बैरियर्स भी दो तरह के हो सकते हैं, फर्दर सुपीरियर रिलेटेड बैरियर्स या फिर सबॉर्डिनेट रिलेटेड बैरियर्स। तो सुपीरियर रिलेटेड बैरियर्स में सुपीरियर के पास टाइम ही नहीं है जिसकी वजह से कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही, या फिर जो सुपीरियर है उसको अपने सबॉर्डिनेट्स पे कॉन्फिडेंस ही नहीं है, या फिर जो सुपीरियर है उसका नेगेटिव एटीट्यूड है, या फिर इंसिस्टेंस ऑफ प्रॉपर चैनल नहीं है जिसके थ्रू कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाए, या फिर क्या हो सकता है कि उसको डर लगता है कि अगर मेरी अथॉरिटी को खतरा हो सकता है इसलिए वो कम्युनिकेट ही नहीं करता है। सो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ सबॉर्डिनेट रिलेटेड बैरियर्स। नेक्स्ट सुपीरियर रिलेटेड बैरियर्स। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट कर रहे हैं सबॉर्डिनेट रिलेटेड बैरियर्स। फॉर एग्जांपल कोई सुपीरियर है वो खुद ही नहीं कम्युनिकेट करना चाहता, या फिर उसको इंसेंटिव्स नहीं मिल रहे जिसकी वजह से वो कम्युनिकेट ही नहीं करता, अपना काम इतना ढंग से नहीं करता। अदर बैरियर्स क्या हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल फिजिकल बैरियर्स जैसे लॉन्ग डिस्टेंस डिफरेंट डिफरेंट बिल्डिंग में है, कोई अपग्रेडेशन नहीं है कम्युनिकेशन सिस्टम टेक्नोलॉजीज की, ये हो गए फिजिकल बैरियर्स। और क्या हो सकता है, सिस्टम डिजाइन, आपका जो सिस्टम डिजाइन है वो इस टाइप का है जिसकी वजह से बैरियर हो रहा है। बाकी क्या हो गया, एटीट्यूडनल बैरियर, जो एटीट्यूड आपका स्टाफ का वो बहुत ही बेकार है। ठीक है, उसके बाद क्या है, लिंग्विस्टिक एबिलिटी बहुत बेकार है, फियर ऑफ बींग क्रिटिसाइज, जेंडर बेस्ड बैरियर्स, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, जैसे कोई आपकी आई साइड खराब है, आपको सुनने में प्रॉब्लम है, या फिर आपकी तबियत सेट नहीं है, तो आप ऑब्वियसली कम्युनिकेशन में दिक्कत आएगी ना, सामने वाला बंदा नहीं समझ पाएगा जिसकी तबियत ठीक नहीं है, या उसको आप कुछ शो करें उसकी आई साइड ही वीक है वो नहीं देख पाएगा, तो कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। मतलब जो आप एक्चुअल मैसेज पहुंचाना चाह रहे हो वो मैसेज ही नहीं पहुंच पाएगा। नेक्स्ट है बाईपासिंग। बाईपासिंग मतलब हैपेंस व्हेन अ कम्युनिकेटर डू नॉट अटैच द सेम सिंबॉलिक मीनिंग टू देयर वर्ड्स। नेक्स्ट काफी सारे रिजिडिटी हो सकते हैं, स्टबर्न व्यूज हो सकते हैं, आइडियोलॉजिकल उनके आइडियोलॉजी या बैकग्राउंड्स डिफरेंट हो सकते हैं जिसकी वजह से उनके एक्सपेक्टेशंस डिफरेंट डिफरेंट हो सकती हैं, फिल्टरिंग हो सकती है, मतलब कोई किसी और वे से बोलना चाह रहा है और कोई समझ कुछ और ही रहा है। रेफर्स टू सेंडर्स पर्पसफुल एंड डेलिबरेट मैनिपुलेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन, आप अपने अकॉर्डिंग उस इन्फॉर्मेशन को फिल्टर आउट कर रहे हो। ठीक है, जनरलाइजेशन मतलब फ्यू पीपल ट्राई टू स्टीरियोटाइप थिंग्स बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस एंड स्टिक टू इट, तो आप जनरलाइज करने की कोशिश करते हो। फॉर एग्जाम्पल किसी का हार्टब्रेक हुआ, ठीक है, तो वो जनरलाइज कर देगा सारे लड़के ऐसे होते हैं, तो दिस इज जनरलाइजेशन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है डॉगमेटिज्म। डॉगमेटिज्म क्या होता है, एटीट्यूड्स ओपिनियंस एंड बिलीव्स पोजेस्ड बाय अ पर्सन प्रिवेंट्स हिम फ्रॉम एक्सेप्टिंग एक्यूरेट और एडिशनल इन्फॉर्मेशन।
ठीक है। और लास्ट क्या हो सकता है, एक तरह से हेलो इफेक्ट। हेलो इफेक्ट क्या होता है, रिजल्ट फ्रॉम टू वैल्यूड थिंकिंग इन दिस पर्सन सी ओनली अ डाइकटोनस दैट इज गुड और बैड, राइट और रॉन्ग। तो हेलो इफेक्ट में आप बस राइट और रॉन्ग, गुड और बैड ही देखते हो, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन में बैरियर हो सकता है। ठीक है, टू वैल्यूड थिंकिंग होती है हेलो इफेक्ट, मतलब उसका रिजल्ट होता है हेलो इफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट कुछ एक दो टर्म आपको बता रही हूँ। रिफ्लेक्टिव लिसनिंग क्या होता है, रिफ्लेक्टिव लिसनिंग पता क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग लिसनिंग मतलब अगर आपको स्पीकर ने कुछ बोला है, आपको किसी ने कुछ बताया है, तो आप उसको दोबारा वो चीज बताओगे कंफर्म करने के लिए कि आपको वो चीज समझ आ गई है। मतलब एक तरह से रिफ्लेक्टिंग लिसनिंग क्या है, टू वे कम्युनिकेशन है रिफ्लेक्टिंग लिसनिंग। इसमें क्या है, ऑफरिंग एन आइडिया बैक टू स्पीकर टू कन्फर्म दैट द आइडिया हैज बीन करेक्टली अंडरस्टूड। अब नेक्स्ट हम टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन करेंगे, दैट इज डिफेंसिव एंड नॉन डिफेंसिव कम्युनिकेशन। अब सबसे पहले डिफेंसिव की इमेज देखो, आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। डिफेंसिव मतलब बचाना अपने आपको, ठीक है, और नॉन डिफेंसिव, ठीक है, आपको इमेज से थोड़ा आइडिया लग गया होगा। नेक्स्ट है डिफेंसिव कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है, डिफेंसिव कम्युनिकेशन इज अ कम्युनिकेटिव बिहेवियर दैट अकर्स विद इन अ रिलेशनशिप, वर्क एनवायरमेंट्स एंड सोशल ग्रुप्स व्हेन एन इंडिविजुअल रिएक्ट्स इन अ डिफेंसिव मैनर टू अ प्री रिसीव्ड फ्लॉ और अ थ्रेट फ्रॉम आउटसाइडर्स। तो जितने भी एक्सटर्नल इवेंट्स होते हैं वो इनडायरेक्टली ट्रिगर करते हैं डिफेंसिव रिस्पॉन्सेज को बाय द फीलिंग ऑफ एंजाइटी, इनसिक्योरिटी, सेंसिटिविटी, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन डिफेंसिव हो जाती है। ठीक है, और जो लोग हैं वो, उनको लगता है कि वो मतलब वो नेगेटिवली इवैल्यूएट कर रहा है सामने वाला, उनको कंट्रोल कर रहा है, परसुएड करने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट है नॉन डिफेंसिव कम्युनिकेशन, मतलब एक तरह से इसमें प्रॉपर ओपन सिंसियर वे में कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आती है, प्रॉपर क्लैरिटी होती है, प्रॉपर सब कुछ अकाउंटेबल होता है, प्रॉपर अच्छी कम्युनिकेशन होती है नॉन डिफेंसिव में। सो अगर आपको पूछे डिफेंसिव और नॉन डिफेंसिव में कौन सी बेटर है, ऑब्वियसली नॉन डिफेंसिव वाली ज्यादा बेटर टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है। ठीक है, अब नेक्स्ट है परसुएसिव कम्युनिकेशन। परसुएसिव मतलब लोगों को मनाना कि वो आप मतलब परसुएड करना कि टू अंडरस्टैंड व्हाट वन इज ट्राइंग टू से, मतलब अपनी बात को समझाना कि हाँ मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, परसुएड कर रहा हूँ आपको, ठीक है, मना रहा हूँ काइंड ऑफ, या आपको समझा रहा हूँ कि मेरा ये पर्सपेक्टिव है। तो इसमें ना आपको कॉग्निटिव प्रोसेसिंग समझने की थोड़ी सी नीड है। जब हम परसुएसिव कम्युनिकेशन पढ़ते हैं तो बेसिकली कॉग्निटिव प्रोसेसिंग की दो कैटेगरीज हैं, एक तो होता है कंट्रोल्ड प्रोसेस और एक होता है ऑटोमैटिक अटेंशन। अब कंट्रोल्ड प्रोसेसेस क्या होते हैं, मैं आपको यहाँ पे रीड आउट करके बता रही हूँ, आपको समझ आ जाएगा, इजी है काफी। कंट्रोल प्रोसेसेस रिक्वायर्स अस टू पे अटेंशन एंड डेलिबरेटली पुट एफर्ट। कंट्रोल्ड प्रोसेसिंग इज इंटेंशनली डन। तो जब भी कंट्रोल प्रोसेसिंग होगी तो इंटेंशनली होगी, व्हाइल वी आर कॉन्शियसली अवेयर ऑफ व्हाट वी आर डूइंग। इन अदर वर्ड्स वी हैव टू थिंक अबाउट व्हाट वी आर अबाउट व्हाट इज गोइंग ऑन एंड मेक डिसीजंस। तो कंट्रोल प्रोसेसिंग में हम अवेयर होते हैं कि हम क्या कर रहे हैं और उसके बेसिस पे हम डिसीजन लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि जब हम बाइक लर्न करते हैं या बाइक चलाना सीखते हैं या कुछ भी करते हैं जिसमें हमारी अटेंशन रिक्वायर होती है, हम कॉन्शियसली अवेयर होते हैं, वहां पे हम कंट्रोल करते हैं उन चीजों को। ठीक है, उसके बाद ऑटोमेटिक अटेंशन। ऑटोमेटिक अटेंशन मतलब हमारी वो हैबिट में आ गया, हमें बार बार वो चीज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिक आपकी इनबिल्ट हो गया। स्टार्टिंग में फॉर एग्जाम्पल जब आप बाइक चलाना सीखते हो वो कंट्रोल्ड प्रोसेस होता है, क्योंकि आप पूरा ध्यान से, हाँ अभी मुझे ब्रेक लगानी है, अभी मुझे क्लच दबाना है, बट बाद में वो क्या हो जाता है, ऑटोमेटिक अटेंशन में आपके फीड हो जाता है, आपको इतना सोचना ही नहीं पड़ता। इवन फिर तो आप बाइक चलाते चलाते फोन पर भी बात करने स्टार्ट कर देते हो, क्योंकि आपको इतनी अटेंशन पे करने की जरूरत नहीं पड़ती उस टाइम पे। तो ऑटोमेटिक प्रोसेसेस डज नॉट रिक्वायर टू पे अटेंशन, नॉट डू वी हैव टू डेलिबरेटली पुट इन एफर्ट टू कंट्रोल ऑटोमेटिक प्रोसेसेस। सो बेसिकली दो प्रोसेसेस हैं अगर हम पर्सुएसिव कम्युनिकेशन की वैसे बात करें तो। कॉग्निटिव प्रोसेसिंग दो तरह के, एक कंट्रोल्ड होती है, एक ऑटोमेटिक होती है। ठीक है, तो इसमें क्या है, फॉर एग्जांपल एज एन एक्सपीरियंस बाइक राइडर यू मे बी एबल टू डू बाइक राइडिंग टास्क जैसे शिफ्टिंग गियर्स, ब्रेकिंग, स्टीयरिंग ऑटोमेटिकली, और साथ में फोन पे बात करो, मतलब इन द सेंस आप मल्टीपल टास्क सेम टाइम पे कर सकते हैं। ठीक है, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। उसके बाद एक दो चीजें मिसलिनियस वाली कर लेते हैं। एक तो है सेवन एलिमेंट्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जो भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन होती है दैट इज एडिक्वेट, एक्सेप्टेबल, क्लैरिटी, कंसिस्टेंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, यूनिफॉर्मिटी, टाइमलीनेस। तो जो जब भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगी, इन्फॉर्मेशन क्या होगी, एडिक्वेट होगी, एक्सेप्टेंस होगी, क्लैरिटी होगी, कंसिस्टेंसी होगी, फ्लेक्सिबिलिटी, यूनिफॉर्मिटी एंड टाइमली सब कुछ कम्युनिकेट हो जाएगा। सो ये कुछ एलिमेंट्स हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के। ठीक है, नेक्स्ट है रोल ऑफ आईटी इन कम्युनिकेशन। अब आपको पता है कि आजकल आईटी बहुत ज्यादा मेजर रोल प्ले कर रही है इन द कम्युनिकेशन सेक्टर। तो कम्युनिकेशन का
कम्युनिकेशन में आईटी का क्या रोल है? ऑब्वियसली आईटी के कारण कम्युनिकेशन 24/7 हो गई है। इसकी वजह से बहुत ज्यादा टाइम मनी एंड एफर्ट सेम होता है, करप्शन रिड्यूस होती है, रेड टेपिज्म रिड्यूस होता है, क्योंकि ओल्ड में पेपर बहुत यूज करते थे ना, तो आइसोलेशन नहीं फील होती, किसी को सपोर्ट मिल जाती है जबकि जब सपोर्ट चाहिए होती है। ठीक है, एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है? वायरस का थ्रेट, फ्रॉड का थ्रेट, आइडेंटिटी थेफ्ट का, लॉस ऑफ पर्सनल टच का, और कई बार ये पता नहीं लगता कि इन्फॉर्मेशन वेदर ऑथेंटिक है या नहीं, काफी ज्यादा फेक सर्कुलर्स सर्कुलेट होती हैं चीजें। ठीक है, और ऑब्वियसली क्वालिटी ऑफ वर्क पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी कोविड टाइम में वर्क फ्रॉम होम कल्चर काफी ज्यादा प्रिवेलेंट चल रहा है, पर इसकी वजह से जो लैक ऑफ कम्युनिटी या टीम वर्क है वो चीज हो गई है। ठीक है, सो दिस आर सम ऑफ द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ रोल ऑफ आईटी इन द कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड स्पीकर। तो जो गुड स्पीकर है, जो एक अच्छा स्पीकर है, दैट इज क्रेडिबल, इमोशनल बॉन्ड बन जाती है एंड इन्फ्यूज अ लॉजिक प्रैक्टिकेबिलिटी। तो अगर लोगोस, लोगोस मतलब लॉजिकल होता है, पैथोस मतलब इमोशनल बॉन्ड होता है, एथोस मतलब क्रेडिबिलिटी होती है गुड स्पीकर की। सो गुड स्पीकर इज एथोस, पैथोस एंड लोगोस। एथोस मतलब क्रेडिबिलिटी, पैथोस मतलब इमोशनल बॉन्ड, लोगोस मतलब इन्फ्यूज लॉजिक प्रैक्टिकेबिलिटी। ठीक है, अब ना हमारा लास्ट टॉपिक रह गया है विच इज मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन। देखो मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन मेनली तीन टाइप के हैं हमारे, इतना कई बार इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो नहीं बनेगा, बट इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। मॉडल्स इन कम्युनिकेशन हम तीन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। कौन सा मॉडल? लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। ये मानवीय कम्युनिकेशन मॉडल है, ये लर्न नहीं करना, जस्ट एक बार सुन लो ताकि अगर कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव तो आएगा नहीं, अगर ऑब्जेक्टिव आता है तो आप हिट कर पाओ। तो बेसिकली मॉडल्स हम तीन करने वाले हैं। सबसे पहले है लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। लीनियर मतलब मानवीय मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें कोई भी फीडबैक नहीं होता है। तो अभी जो ये वाला मॉडल है लीनियर मॉडल, इसमें हम तीन मॉडल करने वाले हैं। एक तो है एरिस्टोटल मॉडल, एक है शैनन वीवर मॉडल, एक है बर्लोस SMCR मॉडल। जो शैनन वीवर मॉडल है ये हमने पहले कवर कर रहा हुआ है, आप पुरानी क्लास में चेक कर लेना। तो एरिस्टोटल मॉडल में क्या है, स्पीकर सेंट्रिक होता है, ऑडियंस पैसिव होती है, और सूट करता है सबसे ज्यादा पब्लिक स्पीकिंग में, क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग में ज्यादातर फीडबैक कम ही होता है। तो स्पीकर ने अपनी स्पीच दी, ओकेजन है कोई भी, ऑडियंस ने सुना और ऑडियंस पर इफेक्ट पड़ गया। तो मानवीय कम्युनिकेशन है, स्पीकर ही सब कुछ बोल रहा है, ऑडियंस क्या है, पैसिव है, और सूट करता है फॉर द पब्लिक स्पीकिंग। सिंपल लीनियर मॉडल, मानवीय मॉडल एंड नो फीडबैक। इसी का जो शैनन एंड वीवर है वो हमने कर लिया था। ये इंपॉर्टेंट है बर्लोस SMCR मॉडल। तो SMCR ही चार वर्ड्स लिखे हुए हैं, S मतलब सोर्स, M मतलब मैसेज, C मतलब चैनल एंड R मतलब रिसीवर। तो सोर्स से मैसेज इनकोड होके चैनल के थ्रू रिसीवर तक जाता है, जो रिसीवर उसको डिकोड करता है। तो इसमें बेसिकली क्या है, कुछ क्वालिटीज फर्दर डिफाइंड है। चैनल क्या हो सकता है, हियरिंग, लिसनिंग, टचिंग, स्मेलिंग एंड टेस्टिंग, मतलब जितने भी आपके फाइव सेंसेस हैं दैट आर इन्वॉल्व इन द चैनल। एट अ टाइम सारी भी हो सकती है, दो तीन भी हो सकती है, सिंगल भी इन्वॉल्व हो सकती है। मैसेज में क्या क्या जरूरी है, उसका कंटेंट, एलिमेंट, ट्रीटमेंट, स्ट्रक्चर और कोड्स। और जो रिसीवर और सेंडर है उसके लिए क्या क्या, उनके लिए पांच क्वालिटीज बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हैं, सेम, उनके एटीट्यूड कैसे है, नॉलेज कैसे है, सोशल सिस्टम कैसे है और कल्चर कैसे है। तो कम्युनिकेशन स्किल, एटीट्यूड, नॉलेज, सोशल सिस्टम एंड कल्चर। तो बर्लोस SMCR, ये कई बार ये सीक्वेंस भी आ जाता है, SCMR है, SMCR है, तो ये लर्न कर लो। SMCR पहले सोर्स, देन मैसेज, देन चैनल, देन रिसीवर। नेक्स्ट हमारा है, फर्स्ट हमने लीनियर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन किया, नेक्स्ट है हमारा ट्रांजेक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। ट्रांजेक्शनल में क्या होता है, सेंडिंग एंड रिसीविंग सेम टाइम पे होती है, जैसे हम नॉर्मल एवरीडे रूटीन में बात करते हैं आपस में, दैट इज ट्रांजेक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे मैंने यहाँ पे इमेज भी शो की है, ट्रांजेक्शनल मॉडल मतलब मैसेज आया, डिकोड मतलब सेंडर रिसीवर, और मैसेज आया गया एकदम से, थोड़ी बहुत नॉइसेस भी होती हैं। तो इसमें जो मॉडल हम करने वाले हैं वो मॉडल है, एक ही मॉडल हम करने वाले हैं, वो है बैलेंस ट्रांजेक्शनल मॉडल। इसमें क्या है, ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स डायग्राम है, इसमें बस आप ये याद रखना, थ्री मल्टीलेयर फीडबैक सिस्टम होता है और तीन तरह के बेसिकली क्यूज होते हैं। वो क्यूज क्या होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट एंड बिहेवियरल क्यूज। ठीक है, अब यहाँ पे भी मैंने मेंशन किया पब्लिक क्यूज, प्राइवेट क्यूज एंड बिहेवियरल भी नॉन वर्बल भी हो सकते हैं और वर्बल क्यूज भी हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारा लास्ट बच गया इंटरैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। इंटरैक्शनल मॉडल में बेसिकली हम दो मॉडल्स करने वाले हैं। तो जो इंटरैक्शनल मॉडल है ये हमारा थर्ड टाइप ऑफ मॉडल है। सबसे पहले हमने लीनियर मॉडल किया, देन उसके बाद हमने किया
ट्रांजेक्शनल मॉडल, अब हम कर रहे हैं इंटरक्शनल मॉडल। जो ट्रांजेक्शनल है उसके बिगेस्ट एग्जाम्पल है एवरीडे टॉक, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट इंटरक्शन में क्या है, ये एक तरह का कन्वर्जेंस मॉडल है। इसमें क्या होता है कि नेक्स्ट मैसेज सिर्फ तभी जाएगा जब आपको पहले मैसेज का फीडबैक मिल जाए। वंस फीडबैक इज अचीव्ड देन द नेक्स्ट मैसेज कैन बी सेंड बाय द सेंडर। तो इसमें दो तरह के मॉडल है, एक है सेक्रम्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें क्या है, सेंडर एंड रिसीवर टेक्स टर्न टू सेंड एंड रिसीव अ मैसेज। जैसे हमने कम्युनिकेशन प्रॉपर प्रोसेस किया था, एक बार प्रोसेस हो गया, देन सेंडर एंड रिसीवर्स टेक टर्न्स, उसके बाद वो सेंडर रिसीवर बन गया और रिसीवर सेंडर बन गया। ये चीज है इस काइरांस मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में। नेक्स्ट है हेलिकल मॉडल। हेलिकल मॉडल में क्या होता है कि हेलिकल स्प्रिंग है एक बॉटम में, और जैसे जैसे वो ऊपर जाता है वो बड़ा होता जाता है थ्रू द कम्युनिकेशन प्रोसेस, ठीक है। हेलिकल स्प्रिंग इज स्मॉल एट अ बॉटम एंड ग्रोज बिगर एज द कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो जो कम्युनिकेशन इसमें होती है हेलिकल मॉडल में, वो यूजुअली कंटिन्यूस होती है और नॉन रेपिटेटिव नेचर में होती है, ठीक है। ग्रोइंग एंड एक्युमुलेटिव कम्युनिकेशन होती है। तो फॉर एग्जाम्पल जब चाइल्ड है वो कम्युनिकेशन इवॉल्व करता है, आफ्टर सम ईयर्स कम्युनिकेशन को क्या करता है, कंटिन्यू करता है, एंड आफ्टर फर्दर ईयर्स कम्युनिकेशन कंटिन्यू एंड grows and depends upon the past experiences. और आज के दिन या करंट टाइम पे जो कम्युनिकेशन है वो कंटिन्यू चल रही है विद द मॉडिफिकेशन। सो बेसिकली हेलिकल मॉडल में ऐसे जो ये स्प्रिंग दिखा रहा है कि स्टार्टिंग में स्मॉल देन बड़ा बड़ा बड़ा, ये चीज है हेलिकल मॉडल। आई होप आपको कम्युनिकेशन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।